नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक सीरीज़ के एपिसोड नंबर 36 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो दोस्तों, इन्फोसिस के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने स्टॉक टॉक सीरीज़ को क्लोजली फॉलो किया है तो आपको मालूम होगा कि इन्फोसिस के बारे में मैंने एक 15 मार्च 2019 को वीडियो शेयर किया था, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हमने इन्फोसिस के टेक्निकल ओपिनियन के बारे में चर्चा की थी। और दोस्तों, आपको जान के काफ़ी खुशी होगी कि ये स्टॉक अभी भी उस एनालिसिस को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों, वहाँ पे हमने चर्चा की थी कि ये जो स्टॉक है ये एक डबल टॉप बना रहा है, और यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट लाइन की हमने चर्चा की थी उस वीडियो के अंदर, जो कि लगभग 630 के आसपास है। और आपने देखा कि स्टॉक ने रिसेंटली 630 के लेवल को टच किया, और वहाँ पे हमने ये भी चर्चा की थी कि अगर ये इस सेम पैटर्न को फॉलो करता है स्टॉक, तो ये लगभग 445-450 तक जा सकता है। दोस्तों, एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी टेक्निकल ओपिनियन या एनालिसिस, अगर आप उसको देखते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस चाहिए। आपको वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक किस तरीके से बिहेव कर रहा है। स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस को ज़रूर फॉलो करता है, अगर आप वहाँ पे पेशेंस रखेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि आज हमने एक एनालिसिस किया और कल से वो स्टॉक उस एनालिसिस को फॉलो करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता। ये जो एनालिसिस है दोस्तों, ये मध्यम अवधि के लिए होता है या शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसलिए आप इसको डे टू डे बेसिस पे जज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इन्फोसिस का एग्जांपल दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 15 मार्च का वीडियो है, और अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम आज के एनालिसिस के ऊपर कि आज हमें जो इन्फोसिस है वो क्या बता रहा है टेक्निकल सेटअप पे या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। और आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी स्टॉक में अगर कोई न्यूज़ आ जाती है तो डेफिनेटली वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस फॉलो नहीं होता। ये एक गोल्डन रूल है, इस रूल को आप हमेशा ध्यान रखिए। तो वहाँ पे आप इंतज़ार करिए स्टॉक को दोबारा टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करने में। हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि टेक्निकल एनालिसिस यहाँ फेल हो गया। टेक्निकल एनालिसिस फेल नहीं होता। वहाँ पे हो सकता है कि कुछ समय के लिए शायद वो स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना बंद कर दे, लेकिन वापस फिर से वो स्टॉक उस टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना शुरू कर देता है। तो आपको वहाँ पे पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट साइड पे हैं, बाय साइड पे हैं, तो आपको वहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करने के लिए, अगर कोई भी न्यूज़ आ जाती है, क्योंकि न्यूज़ का आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस समय अगर हम इन्फोसिस का चार्ट देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ गैप्स यहाँ पे बने हुए हैं। उन गैप्स की तरफ मैं आपको आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जैसा कि यहाँ पे एक गैप बना हुआ है और एक गैप अभी रिसेंटली बना, जो कि काफ़ी बड़ा गैप है, लगभग 15% का गैप है। तो ये जो गैप हैं, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि गैप फिलिंग ज़रूर होती है, तो ये कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि ये गैप फिलिंग बिल्कुल इमीडिएटली होगी। जैसा कि हमने डीमार्ट के केस में कुछ समय पहले देखा था कि वहाँ इमीडिएटली गैप फिलिंग हुई थी, या यहाँ पर कुछ समय भी लग सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ लेवल्स, महत्वपूर्ण लेवल्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे ऊपर जो आप ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, ये 765 रुपये के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस स्टॉक को मिल सकता है। 765 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। दोस्तों, ये जो दूसरी लाइन है, इसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। आपको इस वीडियो के अंदर पता लग जाएगा कि ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये लेवल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये 705 रुपये के ऊपर जो है ये रेजिस्टेंस इस स्टॉक को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो यहाँ पे सपोर्ट है 630 रुपये पे है, जिसकी चर्चा मैंने आपको बताया कि हमने पहले वाले जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी की थी कि ये स्टॉक वहाँ तक जा सकता है, जो कि एम पैटर्न की हमने जहाँ पे चर्चा की थी। और दोस्तों, अगर ये मान लीजिए इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है, तो उसके बाद 515 का जो लेवल है वो सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर पूरे एम पैटर्न को फॉलो करता है तो 450-445 तक भी ये स्टॉक जा सकता है।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने आपको इतने सारे लेवल्स बता दिए, लेकिन हमें यहाँ पे करना क्या है, ये स्टॉक इमीडिएटली या नियर फ्यूचर के अंदर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। दोस्तों उन सब बातों की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेवल जो जानने वो बहुत ज़रूरी हैं। वो आप पिछले वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि अगर आपको लेवल्स पता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है कितना नीचे जा सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसको जैसा कि हम प्राइस एक्शन पे देख सकते हैं कि 705 के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये स्टॉक डिसाइड करता है कि मुझे अपना गैप फिल करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये स्टॉक बहुत आसानी से 765 के लेवल तक जा सकता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर एक 15% की गिरावट जो कि एक ही दिन के अंदर हमें देखने को मिली थी 22 अक्टूबर को, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो उसके हिसाब से अभी जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से संभावना बहुत कम है कि ये सीधा जो है वो 765 पे चला जाएगा। 705 पे इसको एक बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक अच्छी बात ये है कि इस स्टॉक ने जो 630 के ऊपर जो सपोर्ट अवेलेबल है इसको रिस्पेक्ट किया। अगर ये इसके नीचे चला जाता तो डेफिनेटली यहाँ पे इस स्टॉक का 515 को टच करना बिल्कुल निश्चित था। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए अभी बिल्कुल शॉर्ट टर्म के अंदर आज जो ये स्टॉक है वो 687 पे क्लोज हुआ। तो अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 705 तक ये स्टॉक ज़रूर जा सकता है, लेकिन ये गैप फिल करेगा या नहीं करेगा उसके लिए इसको 765 तक जाना पड़ेगा। तो क्या वो संभावना इस समय बन रही है वो हमें बाकी के सेटअप इस समय हमें बताएंगे। दोस्तों प्राइस एक्शन जो है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, इसी कारण की वजह से यहाँ पे हम किसी पैटर्न की चर्चा नहीं कर रहे हैं प्राइस एक्शन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अभी हम किसी पैटर्न की अगर चर्चा करेंगे तो वो सही नहीं होगा। यहाँ पे हम केवल देख रहे हैं कि ये स्टॉक हमें मल्टीपल सेटअप्स या पैटर्न के ऊपर क्या संदेश दे रहा है क्या संकेत दे रहा है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप के ऊपर जो कि है फिबोनाची। फिबोनाची में मैं आपका ध्यान जो है इसके कुछ समय पहले जब फिबोनाची अगर हमने ड्रॉ की होती, क्योंकि बैक टेस्टिंग हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फिबोनाची एक लंबी अवधि के लिए हमने ड्रॉ करी क्योंकि ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग जिसको कह लीजिए कि एक अप ट्रेंड में था। उससे पहले का जो एरिया था दोस्तों वो एक कंसोलिडेशन एरिया था, जैसा कि आप पीछे जाके देख सकते हैं। अगर हम इस चार्ट को और लंबी अवधि के ऊपर देखें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो स्टॉक है ये कंसोलिडेट हुआ था इस एरिया के अंदर, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ था एक बड़ा अपमूव दिखाने से पहले, और उसके बाद इस स्टॉक ने एक बहुत बड़ा अपमूव यहाँ पे दिखाया। तो दोस्तों यहाँ पे इस अपमूव के बाद जो रिट्रेसमेंट हुई थी वो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 50% जो है इसका एक रिट्रेसमेंट लेवल था। 50% के ऊपर आके इसने सपोर्ट ली और उसके बाद अपनी अपवर्ड जर्नी फिर से शुरू करी। तो दोस्तों अभी रिसेंटली जो इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिली है इस स्टॉक के अंदर, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि इसने एग्जैक्टली अपने 50% के पॉइंट के ऊपर जाके सपोर्ट ली। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है, इसका मतलब साफ है कि ये फिबोनाची को इस समय भी फॉलो कर रहा है। अगर हम केवल फिबोनाची की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बैक टेस्टिंग के अंदर कोई एक रिट्रेसमेंट लेवल पता लगाते हैं और स्टॉक उसको फॉलो कर रहा है तो फिबोनाची के हिसाब से ये स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर नहीं है। मैं आपको फिर से क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि फिबोनाची के हिसाब से ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है, क्योंकि इसने अपना 50% का जो लेवल है 642 उससे थोड़ा सा ही नीचे गया तो वहाँ से इसने बाउंस बैक किया और ये स्टॉक इस समय 38.2% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि 690 के आसपास है ये उसी के नज़दीक इस समय ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली अगर फिबोनाची के हिसाब से देखा जाए ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है, ये एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट थी 50% तक। तो फिबोनाची इस समय इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक का अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर नहीं गया, लेकिन
चिंता करने वाली जो बात है दोस्तों वो ये गैप जो है वो इतना बड़ा जो गैप एक दिन में बना है 15% का, वो केवल चिंता का विषय है क्योंकि यहाँ पे हम फिबोनाची में एज्यूम करते हैं कि स्टॉक जो है कोई भी इस तरह का गैप नहीं बनाएगा। अगर यहाँ पे गैप बना है तो डेफिनेटली यहाँ पे 690 जो है 38.2% का जो लेवल है ये इसके लिए रेजिस्टेंस साबित हो सकता है, जैसा कि हमने आज भी देखा, और हो सकता है कि ये वापस नीचे की तरफ चला जाए क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से ये स्टॉक नीचे की तरफ आया, एक ही दिन के अंदर इसने एक बहुत बड़ा गैप बनाया। लेकिन अगर हम उस पॉइंट को कंसिडर नहीं करते तो फिबोनाची के हिसाब से ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब हम अगले सेटअप के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं। 20 और 200 पीरियड जो है वो हमारा एक महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज का, जिसको कह लीजिए मल्टीबैगर पैटर्न का एक सेटअप है, जिसकी चर्चा मैंने एक मल्टीबैगर पैटर्न वाले वीडियो में आपके साथ की थी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको प्राइस एक्शन में बताया था कि 705 इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल है, वो उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे अगर आप 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे वो इस समय 711 पे हमें दिखाई दे रही है। तो जब तक ये स्टॉक वहाँ तक जाएगा तो ये थोड़ा सा और इसके नीचे आने की संभावना हो सकती है। तो ये जो लेवल है, मतलब हम यहाँ पे अगर 705 के लेवल को कंसिडर करें जो कि 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी कोइंसाइड करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल है अगर आप किसी भी स्टॉक में बाय करना चाहते हैं। वहाँ पे अगर मल्टीबैगर पैटर्न बनने की अगर संभावना बन सकती है तो उसके लिए इसको 20 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। और ये 705 का लेवल हमने प्राइस एक्शन में भी देखा कि ये इसके लिए एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा। 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बहुत मजबूत, जिसको कह लीजिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो दोस्तों अगर आप एक बहुत लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये एक इन्वर्टेड ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे बना के भी दिखाया है, और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा और ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। उसके लिए जो 705 का लेवल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 705 के लेवल तक अगर मुझे इस स्टॉक में बाय करना है तो जब तक ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या प्राइस एक्शन के हिसाब से 705 का जो लेवल है उसी के नज़दीक जो है 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगी, उसको अगर कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं करता तो डेफिनेटली वहाँ पे ये जो ट्रेड है लंबी अवधि का निवेश अभी स्टॉक में नहीं बनता, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो उसके लिए हमेशा जो है मैं आपको NSE की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक और जो बात यहाँ पे देखना चाहेंगे कि वॉल्यूम्स जो हमें यहाँ पे दिख रही हैं, दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वॉल्यूम्स हमें यहाँ दिखती है कई बार ये मिसलीडिंग होती हैं, हमें इसको डिलीवरी परसेंटेज और जो ट्रेडेड वैल्यू है उससे कंपेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हमें एक सही पिक्चर मिल सकती है। यहाँ पे हमें डिलीवरी परसेंटेज या डिलीवरी क्वांटिटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती, तो इसलिए हमें इस डेटा को हमेशा, अगर हम इसको डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो उसको हमें डिलीवरी परसेंटेज और ट्रेडेड वैल्यू के साथ कंपेयर करना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप के ऊपर, जो कि हमेशा की तरह हमारा एक फेवरेट सेटअप भी है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इस समय हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपका ध्यान कुछ दो तीन बातों के ऊपर दिलाना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस समय नज़र मारें तो आपको जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे ड्रॉप हुआ था वो 22 अक्टूबर को हुआ था। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, 22 अक्टूबर को जो आपकी डिलीवरी परसेंटेज थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी। तो यहाँ पे अगर आप पीछे की तरफ नज़र मारें तो यहाँ पे एवरेज जो है आपको दिखाई दे सकती है कि लगभग 60 या 65 के आसपास हो सकती है। यहाँ पे बीच में कुछ आपको स्पर्ट्स भी दिखाई देंगे, तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हो सकता है किसी को पहले मालूम हो, यहाँ पे आप 72% देख सकते हैं डिलीवरी परसेंटेज, यहाँ 70% देख सकते हैं, 75% देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज हाई देखने को मिली इस बड़े ड्रॉप से
पहले। तो यहाँ पे जो ये एवरेज से थोड़ा सा ऊपर या एवरेज के आसपास जो डिलीवरी परसेंटेज है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ट्रेडेड वैल्यू या टर्नओवर जो है वो काफ़ी हाई था। आपकी क्वांटिटी अगर आप एवरेज से कंपेयर करें तो लगभग 9 गुना से ज़्यादा थी, और जो आपकी डिलीवरी परसेंटेज है वो भी एवरेज के आसपास थी। इसका मतलब किसी बहुत बड़े प्लेयर ने यहाँ पे अपनी पोजीशन को ऑफलोड किया है। तो यहाँ पे जो ट्रेडेड क्वांटिटी है वो अब आप देख सकते हैं कि अभी भी थोड़ी हाई है। अगर आप इस बड़ी गिरावट से पहले की एवरेज को देखें, अभी भी ये उससे 3 या 4 गुना के आसपास चल रही है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि या तो कोई बाय कर रहा है या यहाँ पे कोई अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर रहा है। लेकिन अगर आप उसके बाद देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपकी डिलीवरी परसेंटेज है वो कम हो गई है, वो गिरती जा रही है। जैसा कि अगर आप 31 अक्टूबर की देखें तो केवल 44% जो है डिलीवरी परसेंटेज है, जबकि जो ट्रेडेड क्वांटिटी है वो लगभग 3 या 4 गुना है इस गिरावट से पहले की जो ट्रेडेड क्वांटिटी थी उसके अगर हम एवरेज की बात करें। तो ये गिरावट से कुछ दिन पहले आपने देखा कि आपकी ट्रेडेड क्वांटिटी बढ़ गई थी इस एरिया के अंदर, आप देख सकते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं, मतलब ऐसा कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि शायद किसी को इस गिरावट के बारे में अंदेशा था टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर या किसी और सेटअप के बेसिस के ऊपर। तो किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे अपनी जो पोजीशंस हैं वो प्रॉफिटेबल पोजीशंस को निकाल दिया। लेकिन अगर उससे पहले आप देखेंगे तो ट्रेडेड क्वांटिटी काफ़ी कम थी। तो यहाँ पे अगर हम केवल डिलीवरी परसेंटेज के हिसाब से देखें, एवरेज को हम 64 या 65 के आसपास ही अगर मान के चलें, तो उसके बाद जब ये बड़ी गिरावट देखने को मिली उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी डिलीवरी क्वांटिटी, डिलीवरी परसेंटेज जो है वो कम हो गई। डिलीवरी क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है कि जितना ट्रेड हो रहा है उसके अंदर कितने ट्रेड्स जो हैं या कितने स्टॉक्स जो हैं डिलीवरी के लिए मार्क थे, इसका मतलब यहां पे हो सकता है कि ये स्पेक्युलेटिव पोजीशंस बन रही हों। और नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी स्टॉक बिल्कुल सीधाई में ऊपर या नीचे नहीं जाता। वहां पे अगर किसी बड़े प्लेयर को अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करना है तो पहले वो स्टॉक नीचे आएगा, फिर वहां पे स्पेक्युलेटिव पोजीशंस के द्वारा उसको ऊपर लेके जाया जाता है, और वहां पे फिर डिलीवरी बेस्ड सेलिंग चालू होती है, जैसा कि हमने यस बैंक के केस में भी देखा था। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और यहाँ पे जो ये आप 70% की जो डिलीवरी परसेंटेज आप देख रहे हैं, आप उस दिन देखेंगे कि इस स्टॉक के अंदर एक डोजी बना था। इसका मतलब बाइंग प्रेशर तो था, लेकिन किसी ने वहाँ पे प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ नहीं गया। अगर ये बाइंग होती, इतनी हैवी क्वांटिटी में बाइंग होती वहाँ पे, तो डेफिनेटली प्राइस ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे शायद अगर आप डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो हो सकता है किसी बड़े प्लेयर ने उस दिन अपनी जो पोजीशन है उसको थोड़ा कम किया होगा या काटा होगा। और ये हम बात कर रहे हैं 29 अक्टूबर की। तो यहाँ पर सभी डेटा पॉइंट्स को देखना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले सेटअप के ऊपर। तो यहाँ पे आप अगर ऑप्शन चेन देखें तो ऑप्शन चेन में आपको एक खास बात नज़र आएगी कि 700 रुपये जो है या 700 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो इस स्टॉक के लिए काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अब हम 705 की बात पहले भी कर चुके हैं, ऑप्शन चेन भी उस चीज़ को कंफर्म कर रही है। तो हम यहाँ पे जो भी प्राइस पॉइंट हमें बार बार दिखाई देता है, 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में दिखाई दिया, प्राइस एक्शन में दिखाई दिया, यहाँ ऑप्शन चेन में भी एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस का ये जो है काम करेगा 700 का जो स्ट्राइक प्राइस है। तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा कि 705 जो है ये एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा इस स्टॉक के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और अगर हम जहाँ तक पोजिशंस की बात की जाए तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ऑप्शन राइटिंग बहुत खतरनाक होती है। तो ऑप्शन राइटर्स जब ये स्टॉक ऊपर के लेवल पे था, जिन्होंने इस स्टॉक को राइट किया था, जैसा कि आप 800 के स्ट्राइक प्राइस पे देख सकते हैं, 750 के स्ट्राइक प्राइस पे देख सकते हैं, तो उनको एक बहुत भारी नुकसान यहाँ पे उठाने को मिलेगा। लेकिन अगर आप पुट साइड पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई मजबूत यहाँ पे सपोर्ट इस स्टॉक को अवेलेबल नहीं है एज सच। अगर आप कॉल साइड से कंपेयर करें, पुट साइड पे ऐसी कोई भी आपको मजबूत सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही।
तो यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन की जहाँ तक बात की जाए तो 705, 700 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है, और जहाँ तक डाउन साइड की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी मजबूत सपोर्ट यहाँ पे एज सच नहीं दिखाई दे रही। अगर आप कंसिडर करना चाहें तो 650 को आप सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ऑप्शन चेन की, अब हम चलते हैं इसका निफ्टी के साथ क्या कोरिलेशन है इस स्टॉक का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका निफ्टी के साथ कोई भी कोरिलेशन नहीं है। यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा था। तो आईटी और फार्मा के नॉर्मली हमने देखा है कि स्टॉक्स जो हैं उनका निफ्टी के साथ कोई ज़्यादा कोरिलेशन नहीं होता, क्योंकि ये स्टॉक्स जो हैं इनके काफ़ी और फैक्टर्स होते हैं जो कि निफ्टी से थोड़े अलग होते हैं। इन स्टॉक्स की जो डिपेंडेंस है वो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनका जो ज़्यादातर बिजनेस है आईटी और फार्मा का वो हमारे देश से बाहर से आता है, इसलिए ये स्टॉक नॉर्मली निफ्टी की मूवमेंट को ज़्यादातर फॉलो नहीं करते। इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर निफ्टी में गिरावट होती है, निफ्टी ऊपर जाता है तो इन्फोसिस का क्या होगा। हमें केवल यहाँ पे ये देखना है कि ये स्टॉक किस तरीके से बिहेव करता है। तो दोस्तों लास्ट में हम आईटी सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे जो 22 अक्टूबर को गिरावट देखने को मिली उसके बावजूद अगर आप इन्फी का स्टॉक देखेंगे तो इसका 365 डेज अगर एक साल का रिटर्न देखा जाए तो अभी भी पॉजिटिव है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि इसने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। जबकि आप दूसरे स्टॉक्स देखेंगे कि माइंडट्री या विप्रो जो है वो आप एक साल के ऊपर देख सकते हैं कि उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए, लेकिन दोस्तों एक महीने का रिटर्न देखेंगे तो वो अभी भी -13% के आसपास है। तो यहाँ पे अभी इस डेटा से हमें कुछ भी ऐसा कंक्लूड नहीं करने को मिल रहा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इसने एक बहुत भारी गिरावट दिखाई है। लेकिन एक सिर्फ अच्छी बात जो है, या जिसको कह लीजिए पॉजिटिव बात, ये है कि एक साल का रिटर्न अभी भी नेगेटिव नहीं है। जिन लोगों ने एक साल पहले निवेश किया था उनको अभी भी नुकसान नहीं हो रहा है इस स्टॉक में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप इन सभी ट्रेडिंग सेटअप या सिस्टम्स को देखेंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा आपके जो भी सवाल थे इन्फोसिस के बारे में, कि क्या हमें बाय करना चाहिए, या अगर हमारे पास ये स्टॉक ऑलरेडी है तो क्या हमें इसे सेल कर देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। उन सब के जवाब आपको यहाँ पे मिल गए होंगे। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी न्यूज़ आ जाती है तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर हम वहाँ पे हड़बड़ी में काम करेंगे या जल्दबाजी में काम करेंगे तो वहाँ पे हमारा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इस सीरीज़ के अगले एपिसोड के अंदर हम किस स्टॉक की चर्चा करें उसके बारे में आप इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जिस भी स्टॉक को सबसे ज़्यादा लाइक्स या वोट्स मिलेंगे या जो सबसे ज़्यादा बार कमेंट में आएगा उस स्टॉक के बारे में हम इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप इन्फोसिस के स्टॉक में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।